इंदौर जिले के महू विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों में कोरोना फैल रहा है। गांव में बढ़ती कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए प्रशासनिक अफसरों के साथ ही मंत्री भी गांव का दौरा कर रहे हैं। महू विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत में कोविड सेंटर बनाए गए हैं, जहां मंत्री उनका निरीक्षण करने पहुँचे। इस अवसर पर मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने बताया कि कोरोना के प्रति जागरूकता ही बचाव है। उन्होंने होम आइसोलेशन के साथ शासन द्वारा ऐसे केंद्र पर जाने की अपील की। महू पहुंचकर गवली पलासिया कोदरिया मलेड़ी कटकटखेड़ी सिमरोल और कई जगह पहुंचकर इस बीच कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट इंदौर जिला कलेक्टर मनीष सिंह महू SDM अभिलाष मिश्रा जिला पंचायत अध्यक्ष कविता पाटीदार भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर डॉक्टर निशांत खरे राकेश यादव एवं अनमोल मुस्कान वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष मुस्कान भारती वीरेंद्र आंजना तथा अन्य मौजूद रहे। ग्रामीण क्षेत्र में जो संक्रमण फैल रहा है उसको तोड़ने के लिए ही आज पूरी शासन प्रशासन की टोली गांव-गांव के लिए निकली है और लोगों से यही प्रार्थना करने निकली है कि कोरोना से घबराइए मत, सजग और सतर्क रह के पहले दिन से इसका इलाज प्रारंभ कर दीजिए, आप स्वस्थ हो जाएंगे। आप जो पंचायत का आइसोलेशन सेंटर है वहाँ जा सकते हैं, आप वहाँ रुके, अभी हम देख कर आए वहाँ कोई नहीं है, तो सबसे यही आग्रह है कि आपको यहाँ नहीं रुकना तो राधा स्वामी में सर्व सुविधा युक्त आप वहाँ पहुँच जाइए, पर रहिए आप आइसोलेशन। जिनके बड़े घर परिवार हैं उनको घर पे अनुमति दी हुई होम आइसोलेशन की, और जिनको घर छोटा है उनको आग्रह कर रहे हैं, और हमारे सारे जनप्रतिनिधियों को हमने जिम्मेदारी सौंपी है, संगठन के कार्यकर्ताओं को, सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं को, कि घर घर जाके चिन्हित कीजिए, कोई एक व्यक्ति भी संक्रमित घर में ना रहे, ये हम सब की जिम्मेदारी है। ये सजगता कोरोना से मुक्ति दिलाएगी कि इस भय से ही तो मुक्त करना है। आपका मेरा हमारी पूरी टोली का यही काम है कि इस भय से हम नागरिकों को मुक्त करें कि राधा स्वामी आपको स्वस्थ करने के लिए बनाया गया केंद्र है, कोई सजा यातना का केंद्र नहीं है। वहाँ समय से भोजन है, डॉक्टर की निगरानी है, चाय नाश्ता दूध है, योगासन की सारी चिंता की जा रही है। तो इतने सर्व सुविधायुक्त केंद्र में यदि आप आएंगे, पहले दिन से आप आ गए, तो आप यकीन मानिए कि पांचवें दिन आप स्वस्थ होकर घर पहुँच जाएंगे। की जनता से करबद्ध मेरी प्रार्थना है कि इस चेन को तोड़ने में वो सहायक बने। यदि आसपास कोई सूचना मिलती है घर में किसी के भी सर्दी बुखार से पीड़ित होने की, तो उसको प्राथमिक उपचार के लिए जो हमारी टोली पंचायतवार घूम रही है उससे मेडिकल किट उपलब्ध कराए, उसके बाद भी यदि राहत महसूस नहीं करता तुरंत दवाएं देकर उसको आइसोलेशन में भेजें। लेंडी जाएंगे, इसके बाद भगवत खेड़ी जाएंगे और फिर सिमरोल जाएंगे। कैनन न्यूज़ के लिए महू से प्रकाश सिसोदिया की रिपोर्ट।